वो कह रहे हैं कि ये तो एग्जास्ट हो जाएंगे एग्जास वो किस चीज में हो जाएंगे वहां कौन सी जंग हो रही है जापान के, के साथ अमेरिका के साथ नफसियाती जंग है ना अमली जंग तो नहीं हो रही ना चीनी कहते हैं कि हम तीनों से निपट सकते हैं भाई निमटने में उन्होंने कहा आर्मी डप्लाई की हुई है यही आर्मी डप्लाई हुई है ना चीन अमरीका के खिलाफ तो नहीं फिर ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है तारीख में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था आधे तो रिजर्व जो हैं वो चीन के वो डॉलर में हैं और जब चीन में मीशत तरक्की करती है तो उसका फायदा अमेरिकी कंपनी को पहुंचता है अमेरिकी कंपनियों की एक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है और है सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है वो सबसे ज्यादा चीनी अशिया फरोख्त होती है मैंने खुद न्यूयॉर्क में देखा कि वो चीनी चीजें ले वो खड़े होते हैं प्लेटफॉर्मों पर रेलवे के प्लेटफार्मों पर

तो वो कही लोग एजुकेट हो गए और डिसिप्लिन हो गए और इंसेंटिव सिस्टम नहीं था वो दे दिया आप जो आदमी काम करे आपको हैरत होगी कि बाद महकमे में दो तनख्वाहें ले सकता है चीन में दुनिया का जी बकरी मुल्क है दो तनख्वाही एक महीने में दो भाई काम ज्यादा किया चार पांच घंटे ज्यादा काम किया दो घंटे तीन घंटे ज्यादा काम किया वो टारगेट अचीव किया हत्या के बाद लोग कहते हैं हमें छब्बीस तनख्वाहें भी हमने ली हैं में गया था ना छब्बीस तनख्वाहें भी ली हैं। जब अगर बारह महीने को दो ले ली एक आदमी वक्त भी, वल भी है काम भी करना चाहता तो अच्छा में मकान बनाए एक लंबी चंद जबलब तो वो गांव में कुछ सियाने लोग थे इंजीनियर वगैरह भी होगा उनमें ऐसे मकान हम खुद बना सकते हैं ये सात वाले गांव का ठेका दे दें इसी इसी रेट पे हम बुला देंगे आप क्यों था? बीजिंग से आएंगे और जनाब शंघाई से और इतना आपके अखराजात होंगे विफाक हुकूमत के उन्होंने कहा अच्छा बना दे नमूने के तौर पर कुछ आज वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है काम करने वालों के लिए मौाक हैं अच्छा अब वो इंडिया जो है वो प्रवोक करता रहता है लेकिन चीनी कहा प्रवोक होते हैं हांगकांग प्रवोक हुए अभी तो ताइवान तो पे प्रवोक हुए हमारे लिए भी इसमें सबक है हम फौरन इमोशनल हो जाते हैं वो कि नफसियाती दबाव बढ़ाते रहते जैसे अभी उन्होंने ताइवान के करीब की उनके इलाके में नहीं गया करीब प्रवादक की दबाव दबाव उनके ऊपर बढ़ाया उन्होंने अच्छा इंडिया समझाया कि बैर कायल में हम उनके पार्टनर है तो अमरीका को मुलवस कर लेंगे अमरीका तो अब तक तो मुलवस नहीं हुआ अमरीका भर में अमरीका की अभी अप्रोच ही नहीं है तो वो आप क्या मतलब बोलब होके करेगा क्या फुट सोल्जर तो नहीं भेज सकता अफगानिस्तान में भेज के देख लिए ना में भेज के देख लिए इराक में भेज के देख लिए तो बहुत अब फंसे हुए हैं सर्जिकल स्ट्राइक क्या वो खाक कर एक दफा किए थे पिछले साल फेबर था मार्च था फरवरी के अंदर था और सब अगले दिन क्या हुआ था दो दिन के बाद क्या हुआ था छह जगहों पे दिन की रोशनी में पाकिस्तानी ने बम गिराए उन जगहों अहम जगहों के करीब ये मैसेज देने के लिए कि आपके पायलट इसकाबल नहीं और जो आया उसका अंजाम भी देख लिया उसका अंजाम भी देख लिया और इंटेलिजेंस नेटवर्क भी बेहतर है उस पे आईएसआई पे आते हैं तो बात करते हैं इंटेलिजेंस नेटवर्क भी बेहतर है पाकिस्तान का पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन सिर्फ इंडिया से नहीं मिलती उसके पड़ोसी में मालिक से भी मिलती है सैकड़ों बिलियन डॉलर है इंडिया की और चाइना की नब्बे बिलियन डॉलर अच्छा अब वो वहां ट्रेंड चलते है जी बाइकार कर दो मतलब वो तीन चार महीने पहले बाइक का था चाइनीज था क्या तुम ये मैसेज मुझे चीनी टेलीफोन से कर रहे हो और क्या तुम बैठे हुए चीनी टेलीविजन देख रहे हो मुकाबला चीजें सस्ती हैं आप उनसे कहें मैंने उनसे कहा हवाई वालों से कि पांच डॉलर का मोबाइल बना देंगे उनका एक डॉलर का बना दें अच्छा ते लोग हैं। अच्छा वो मतलब ये हर तरह की चीजें जो गरीब लोग दुनिया में बहुत से लोग हैं अच्छा हालत इंडिया की ये है ये जो हंगर इंडेक्स है ना कितने लोग भूखे सोते हैं इसमें वो पाकिस्तान से भी आगे है बांग्लादेश से भी आगे और धमका पाकिस्तान को का ज्यादा है मगर थोड़े देखे ना अब दौलत तो अंबानी के पास है ये इंडिया की ट्रेडिशन यही रही है कि दौलत हमेशा चंद हाथों में होती है यहाँ भी ऐसा ही है मगर इतना नहीं है लाहौर के अस्पतालों में खाना जो है मुफ्त मिलता है सरकारी अस्पतालों में लोग देते हैं आम लोग यहाँ छिपा जैसे अदारे हैं यहां खुवत जैसे अदारे हैं अलखदमत जैसे अदारे हैं यहां पांच हजार के करीब स्कूल हैं जो फ्री एजुकेशन देते हैं इंडियन बड़ा है खुआ शाम है हुँ. वो इस तरह की रू रायत नहीं देता वो यहां आते हैं इंडियन जन कहते हैं बड़ी सबसे पहले खुशवंत सिंह ने लिखा था फिर और भी लोग ये आपके ड्राइवर जो है आपके साथ खाना खाते हैं उनका हमारे यहां तो कोई बर्ची को खाना नहीं देता बउछी ने खाना पकाया और चला गया खातून है या मर्द है तो हमने कहा मारे हैं तो इसका कोई तस्वीर ही नहीं है किसी घर में जाए तो ये कहने की जरूरत नहीं होती कि तस्वीर बहुत हमारे है। यहाँ है एक पैरल सोशल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है जिसकी वजह से मुल्क बचा हुआ है एक डेढ़ करोड़ आदमियों को गफ्तारी कराई जाती है ठीक है ना ठीक है पच्चीस लाशें पच्चीस हर रोज भूखों की दिल्ली में उठाई रहती पाकिस्तान में भूख से कोई नहीं मरता बिल्कुल ही कुछ नहीं तो दाता दरबार तो है ही जहाँ सबके एक लाख आदमी दो लाख आदमी खाना खा लें उतनी देखे पक जाएंगी सैकड़ों लोग जो हैं वो दर्जनों दे लिए वो बैठे हैं वहां जाओ पैसे दो है मैंने एक दफा कहा किसी से वो प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर का लेक्चर सुनने के लिए भूख लग गई ये पैसे ले लो बाहर है अपना जाओ पकौड़े और नान ले आओ अच्छा और पानी एक बोतल ले आओ उस वक्त तो यही हो सकता था उसने कहा जी आपका माल करते हैं पकौड़े नान का क्या मतलब है यहाँ तरह तरह के खाने हों अपना जाफरान वाला पुलाव ला के दिया हमें खाने के वैसे वो गरीबों में बटना चाहिए एक यहाँ गुजरा वाला में पिछली स्थिति की बात है एक दरवेश रहता था तो जब वो खाने पर लोगों को बुलाता था हर रोज़ तकरीबा तो वो तो पूछता था कि आप खुशहाल आदमी हैं गरीब आदमी हैं तो दोनों को अलग अलग जगहों पर भेज देता था और जो गरीब लोग थे तो उनके लिए तो मुर्गे और जो ना आप कौरमा पकाता था जो अमीर अच्छा। लोग थे उनके लिए दाल पक भाई आप रोज़ गोश्त खाते हैं आज आप आज आप दाल का, दाल का दाल। थोड़ा टेस्ट पाकिस्तान में एक पैरल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है ये जो है ना पैसे आते हैं जी बड़ी तरसीलाजार बढ़ गई ये कैसे बढ़ गए हैं अखराज बढ़ गए महंगाई होगी जो भी पैसे भेजते थे तो उनसे कहा और भेजो दे डोंट रिफ्यूज लोग तकलीफ झेलते हैं समंदर पार पाकिस्तानी है मगर रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं गांव वालों की मदद करते हैं दुरुस्त बात है अरुण साहब अगर ये सब चीजें पाकिस्तान के मुफाद में जाती हैं बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं इंडिया पाकि... इस काबिल नहीं रहा क्या पाकिस्तान पर हमला करें इंडियन अब अमेरिकन लाबी रही है इस्टेब्लिशमेंट में ऐसे लोग हैं जो अभी मगरब की तरफ देखते हैं सरकारी मुलाजमीन में, में ऐसे लोग हैं उनके ज़ाती मफादत हैं बच्चों को पढ़ाना होता है एक आदत भी बन जाती है ना सत्तर बरस से अपना बना के छोड़ दिया क्या सीरी है क्या रहाई है